श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के महत्व के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मकर संक्रांति सिर्फ तिल से बने पकवान खाने और दूसरों के पतंग काटने के लिए नहीं है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अलावा सेहत और आम रहन सहन में भी इसका नाता है। यह आस्था का केंद्र है। कटाई का मौसम इसी के साथ आता है, लिहाजा उसे किसानों से भी जोड़कर देखा जाता है। अब मैं आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई सात धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताऊंगा। मकर एक राशि है और सूर्य की एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। इस त्यौहार के साथ ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे इसे यह नाम दिया गया। हर साल यह एक ही तारीख को आता है, और भी कोई भी त्यौहार हर साल एक ही तारीख को नहीं आता है, पर यह हर साल एक ही तारीख को आता है। यह इकलौता ऐसा त्यौहार है जो हर साल एक तारीख पर आता है। दरअसल यह सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है। दूसरे त्योहारों की जो गणना है वो चंद्र कैलेंडर के आधार पर होती है। यह साइकिल हर 8 साल में एक बार बदलती है और तब यह त्यौहार एक दिन बाद मनाया जाता है। कई जगह यह भी गणना की गई है कि 2050 से यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा और फिर हर 8 साल में 16 जनवरी को। तो ये इसका चक्कर है हमारे मकर संक्रांति का। अभी तिल गुड़ का क्या महत्व है? मकर संक्रांति पर रसोई में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाने की परंपरा है। इसके पीछे बीती कड़वी बातों को भुलाकर मिठास भरी शुरुआत करने की मान्यता है। अगर वैज्ञानिक आधार की बात करें तो तिल के सेवन से शरीर गर्म रहता है और इसके तेल से शरीर को भरपूर नमी भी मिलती है। देखा जाए तो त्यौहार एक है, पर इसके बहुत सारे नाम से इसको बुलाया जाता है। भारत के साथ दक्षिणी एशिया के कई अन्य देशों में भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग विधियों के साथ मनाया जाता है। देश के अधिकतर हिस्सों में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हालांकि तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, पंजाब में माघी कहते हैं, असम में बिहू कहते हैं, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं। इस त्यौहार को नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका यहाँ पे भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अब इसे पतंग क्यों उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति का त्यौहार सेहत के लिए कई तरीके से फायदेमंद है। सुबह सुबह पतंग उड़ाने के बहाने जो धूप शरीर को लगती है उसमें भरपूर विटामिन डी मिलता है। इसे त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और सर्द हवाओं से होने वाली कई समस्याओं को दूर करने में यह मददगार होती है। फिर तीर्थ की शुरुआत का प्रतीक है। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के साथ तीर्थ की शुरुआत भी होती है। उत्तर प्रदेश में इसी के साथ कुंभ मेला शुरू होता है। तो केरल में शबरीमाल, इसी दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये सर्दी के मौसम के बीतने का सूचक है और मकर संक्रांति पर दिन व रात बराबर अवधि के माने जाते हैं। इसके बाद से दिन लंबे और मौसम में गर्माहट होने लगती है। इसके बाद कटाई या बसंत का मौसम का आगमन मान लिया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।